हाय एवरीवन, स्पीच और ममता शेयर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस दैट योर थर्ड आई इज़ ओपनिंग। सो अगर आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है तो इसकी क्या साइंस सिम्टम्स हैं, ये मैं कुछ पॉइंट शेयर कर रही हूँ। सो पहला साइन है आपके थर्ड आई के, लाइक दोनों आँखों के बीच में यहाँ पे आपको एक सेंसेशन होगी, लाइक डल सेंसेशन होता है आपको, यहाँ पे कुछ प्रेशर फील होगा। फर्स्ट साइन। सेकेंड साइन है बजिंग साउंड इन योर ईयर, यू नो आपके कानों में कुछ आवाज़ आएगी, कुछ बहुत सारी आवाज़ें आएंगी, आपको कुछ लाइट दिख सकती है, यू नो लाइट फॉर्म में कुछ लाइटें, आपको अलग अलग लाइट दिख सकती है, कलर्स लाइट। एंड आप किसी के बारे में सोचते हैं, फैमिली या फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव जिनसे आप बहुत दूर हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं और वो कॉल कर देते हैं। तो ये जिन आपकी यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है, बहुत हाई होने लगती है, आप जो भी सोचते हैं वो ईजिली होता है। नेक्स्ट शाइन है आप लोगों के चारों तरफ एक कलर देखते हैं, ऑरा ऑरा सबका दिखने लगता है। तो सबके बाहर का जो ऑरा है, जो सबके अराउंड लोगों के अराउंड एक आपको कलर दिखेगा, सबका डिफरेंट डिफरेंट ऑरा होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, वो आपको दिखने लगता है, वो आप सेंस करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, लाइक आपकी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है लाइट की, यू नो आपके अलग अलग जो लाइट दिखती है आपको बहुत सारी सेंसिटिविटी हो जाती है, यू नो कुछ एनर्जी आपके कैसी कैसे लोग हैं, क्या उनकी एनर्जी है, वो पिकअप करने लगते हैं, उनकी थॉट पिकअप हो जाती है, लोगों के थॉट पिकअप हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यू एक्सपीरियंस्ड विजन, आपको विजन आते हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं या फिर आप नॉर्मली अगर बैठे हैं, थोड़ी सी भी आपको आंख लग गई तो आपको कुछ विजन दिखाई देगा और वो रियलिटी में हो जाता है। नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डे आप जो आपने देखा वो रियलिटी में हो जाएगा, या मेडिटेशन में जो आपने देखा वो रियलिटी में आपको दिखाई देगा, या पास्ट लाइफ की या पास्ट की कुछ विजन आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज सिंक्रोनिसिटी, आपको सिंक्रोनिसिटी यहाँ बहुत होती है और कुछ कोड होता है जो आपको मेडिटेशन में भी दिखाई देता है, या ड्रीम्स में कुछ कोड दिखाई देता है जो आपके अंदर एक्टिवेट हो रहा होता है। सो कोड बहुत सारा दिखाई देता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लुसिड ड्रीम दिखाई देता है और बहुत सारे अपने फ्यूचर का ही, अपना ही एक सेल्फ का वर्जन आपको दिखाई दे सकता है, खुद का आगे का बेस्ट सेल्फ का आपका और कितना बेस्ट सेल्फ हो सकता है वो आपको दिखाई दे सकता है, या फिर कोई एंजल्स किसी स्पिरिट गाइड से आप कनेक्ट कर सकते हैं लूसिड ड्रीम में। बहुत सारी गाइडेंस आपको मिलती है, कान में डायरेक्ट आपको आवाज़ सुनाई देती है जो क्लियर आवाज़ होती है पूरी तरह से, जो आपको लगता है कोई बात कर रहे हैं तो वो आपको क्लियर सुनाई देता है। अगर कुछ चीज़ फ्यूचर में होने वाला होता है वो भी विजन आपको बहुत बार आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे धुंधली भी दिखाई देती है, कभी कभी आइज के सामने ब्लरी विजन दिखाई देता है, एक कुछ चीज़ है वो दो पार्ट में आपको दिखेगा। नर्व्स में जाके कुछ हेडेक भी हो सकती है जो आप पहले एक्सपीरियंस नहीं किए होते हो, और यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होने लगती है। सो ये कुछ पॉइंट था जब आपके थर्ड आई ओपन हो रही होती है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट ये कुछ मेन पॉइंट जो हमको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होने लगता है। ओम का साउंड भी बहुत लोगों को सुनाई देता है, मुझे भी सुनाई दिया था, ओम का साउंड सुनाई देता है, बहुत सारे कोड दिखाई देते हैं ड्रीम्स में और मेडिटेशन के टाइम पे, विजुलाइजेशन। आपके थर्ड आई जब ओपन होता है सबसे पहली चीज आपके जो इष्ट देव हैं, जो आपके गुरु हैं, उनको आप देख पाते हो अपने थर्ड आई पे, जैसे कि किसी के लॉर्ड शिवा हैं, जैसे मेरे लॉर्ड शिवा हैं, तो एक टाइम पे उनका जो आप ने जो विजन बना लिया है, जो उनको अपने अंदर अपने एक आराध्य को आप अपने ये कर लेते हो, जिनको आप मानते हो अपने गुरु, तो उनका विजन आपको दिखता है थर्ड आई पे दिखता है, या फिर कोई भी दीवार पे दिख सकता है, या जब आप रेगुलर वे में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तभी उनका एक फिगर आ जाता है आपके सामने, कहीं पे भी बन जाएगा या आप देखते हो। ये भी होता है जब हाईली आप बहुत हाई लेवल पे जाते हैं, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एवरीडे आप करते हैं उस टाइम पे वो उनका प्रेजेंस आप फील कर पाते हैं। सो ये कुछ पॉइंट था गाइस, जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है या आप पूरी तरह से एक्टिवेट होती है तो आप ये सारी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। सो गॉड ब्लेस यू गाइस, आज का वीडियो ही था, लव यू ऑल।